सांप्रदायिक दंगों के विरोध में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक दिवसीय जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया और महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा। सत्ताधारियों के सहयोग से आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह उत्तर प्रदेश हो व कई अन्य राज्य भी, वहां लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही है। जबकि भारतीय संविधान की नींव समता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर टिकी है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार अनुसरण करने का पूरा हक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी नागरिकों के हित की रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है, परंतु अल्पसंख्यकों के संदर्भ में यह कर्तव्य और अधिक बढ़ जाता है। उस समुदाय के नागरिकों को भारत सरकार के प्रति अस्वस्थ रहे कि वे सुरक्षित हैं। इसी को देखते हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने आज 27 अप्रैल को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मजिस्ट्रेट के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा। राम को मानने वाले लोग शासन चला रहे हैं, तो राम को मानने वाले लोगों का स्वागत करते हुए पूछना चाहेंगे कि राम राज में जो शासन चल रहा, क्या हर गली में स्मैक और गांजा और शराब बिकेगी? हर गली में नशीला पदार्थ बिकेगा? कुरेना के नाम पे स्कूल बंद होंगे? इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, और जो मूल निवासी गरीब बच्चे हैं, जब 3-3 साल वो स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में पुनः मूल निवासी बहुजन समाज गुलाम होने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे क्रांतिकारी साथी रामधारी सिंह यादव जी आपके बीच में आए हैं। अत्याचारों के विरुद्ध जो विरोध में आज हम ज्ञापन देने आए हैं, और इतना बड़ा मर्डर इस शासन में जो हो रहा है, हम तो कहते 70 साल में कभी ऐसा नहीं, और करने के बाद वो बड़े आराम से जो है घूमते रहते हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं रहता। तो हम आज ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि खुद आदमी को अपने से औजार उठाना पड़ेगा अपने सुरक्षा के लिए। एक पुलिस जो है, पुलिस को रक्षा के लिए रखा गया है, अदालत को न्याय के लिए रखा गया है, लेकिन आज सरकार और पुलिस दोनों मिलकर के अदालत का काम कर रहे हैं, और अदालत बैठी हुई है, अदालत संज्ञान में नहीं ले रही है कि जो मेरा काम है वो।